या दुनिया माँ तुम्हें दुख होई, फिरो खुश रहो, कहे से कि मैं संसार का जीत लीने हूँ। फैमिली, कल रात के मैं सो नहीं पाया। कहो का होएगा, तुम आज जीवित नहीं है ना? सवेरे बातों नहीं किया हो, सीधा खेते के चले आए। कल रात के मैं बहुत खराब सपना देखे हूँ, सपना माँ ठाकुर का देखे हूँ। और कितना समय चाहिए? 4 साल हो गया, मोर पैसा नहीं लौटौते आही, तो अपन जमीन मोरे नामे कर दे। फिर एक दूसरा सपना आवा जोन पहले से ज्यादा खराब रहा। तो जाना था ना मैं कुआं हूँ, 4 साल होगी पैसा दीने, अगर ते माँ जल्दी पैसा न दीने तो मैं तो आ खेत खींच ले आऊं। चार चार जनन का कर्जा है, अब तो यह साल खादो बीज का पैसा नहीं है, इमार खेत खेती तो खाई सकत ही। हे भगवान, पता नहीं मैं का करूं। और मैं तेज रोशनी माँ एक आदमी का दिखूं, जौन मुझसे कहिस कि वह एक साधु का भेजी मोर सहायता करे खातिर। अगर हम उनका पैसा वापस नहीं करें तो उन्हें हमार खेत खींचला है, बहुत डर लागत है। गरीबन के तो सपने डराव वाले होते, अगर सही हो गए तो मुँह हाथ धो के ले पानी। आज खाए का कुछ नहीं है, का करूँ मैं, घर में खाए का कुछ नहीं है, का बनाऊ? बनिया क्या उधार पर है, अब वह हमें उधारों न दे। मुन्नी भूखी हुई सवेरे से, सवेरे से खेते में काम करते हो, सोचो खाए का कुछ नहीं है, पानी ले जाऊं। एक काम कर, ते घर जा, मैं अपन काम पूर करके आवत हूँ, शाम के कुछ न कुछ इंतजाम कर लिया। ठीक है, मैं जाता हूँ। घर माँ मुन्नी भूखी है, मोर और फैमिली का तो चल जाए, पर मुन्नी का का होई? मुही जल्दी कुछ करें का होई? बाबू, मुही भूख लागी, सुबह से कुछ नहीं खाए हूँ, बस पानी भर पी हूँ, कुछ खाए के ले आओ। बिटिया वो बात सुन, बाबू बनियन ठाए नहीं जा सकता है। का है अम्मा? बिटिया एक काम कर, उनके दुकान में जा और कुछ राशन मांगे, कह देने कि बाबू उनका जबहन पैसा मिल जाए तुम्हारा दारी तुरते दे दिया है। जा बिटिया जा। सुन सुन मुन्ने। कहाँ है बाबू? वो बनिया से कही दीने, बाबू थोड़ी समोस मार्क दवाई मंगवाई नहीं, वो कहा है ना खेत में बहुत मूस हो गए हैं। हाँ बाबू।
वो दवाई कहाँ है? वो दवाई सिर्फ तो महीन का है। अच्छा ठीक है, तो जा अम्मा का राशन दे दे। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम प्रणाम। ये कहाँ है बगुला? कितना समय होएगा? कबे दे आए तुम वो पैसा? ठीक है मालिक, दे दिया थोड़ी दिन का समय दे दिया। और ये कहूँ नाटक है? अब तो देवे बिटिया के भेजे लागे सुखदा ले, आज अंतिम 12 दिन है हूँ, अब न दिया उधार। ठीक है सेठ जी। हाँ रुक रुक, तो दवाई मंगा रहे बिटिया से खेती में डारे खातिर, ले ले आज जा, लेकिन ध्यान देने अंतिम 12 दिया था। बिटिया प्यास लागी पानी पिला दियो। हाँ बाबा लाओ। पाला की बाबा। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। आइए। बच्चा कुछ खाना होई का? बहुत दूरी से आए। सुनती हो? कुल 3 लीटर रोटी हैं, बहुत उधार कही, मैं उन्हें कसत दे दूं। दुखी ना हो सामले, घर आए मेहमान का हम भूखा नहीं रह सकते, तो मौ हिस्सा की रोटी उन्हें दे दूं। तुम्हें भूखा राख में कसत खा सकती हूँ, तुम मोरो हिस्से की रोटी उन्हें दे दो, हम आज भूखे सो जाएंगे। वाह बिटिया, ते तो बहुत बढ़िया खाना बनाए है, लागे थे ये साल बहुत बढ़िया फसल भए है। नहीं बाबा, बारिश के राह देखत देखत महीनन हो गए हैं, घामे के तपर मा खेत बंजर हो गए हैं। बच्चा शायद यही से आए अपने पूरे परिवार के साथ अपन जीवन खत्म करें का योजना बनावत रहे हैं। मारे खातिर सोचत रहे। रो ना बिटिया, आदमी चाहे कितनो योजना बनावे पर वही का सफल हुआ परमात्मा के। तो का कर तुम बाबा, इतना कष्ट है जीवन में कि कोनो आशा नहीं है, तो सोचो रोज रोज मरण से नीक एक दिन सब मर जान। जोने शरीर का परमात्मा अपने
इच्छा पूरी होए के खातिर बनाइस वही अपने स्वार्थ के खातिर खत्म करें का सोचबो पाप आए बच्चा। बाबा पूरे गांव से कर्ज ले चुके हूँ, अब हमका तो जायो नहीं सके। बच्चा आदमी तो सूरज और चांद में दाग ढूंढा थी, जबकि हूँ रोशनी के बदले हमसे कुछ नहीं मांग। हमारा बस अपन कहे खातिर खेते हैं और वह हमारे हाथ से छिन जाइए तो सूरज के तपन और घाम मा हम किसान जीवन के आशा कसर लगाई। बाबा चौगिरदा सूखा पड़ा है। तुम तो किसान हो बच्चा, वो मैं बीज डालती हो, वो मैं खाद डालती हो, लेकिन वही बढ़ावो वो मैं फल लगावे का काम का तुम ही करती हो। नहीं बाबा मैं कसत कह सकत हूँ। बच्चा जौन काम मनुष्य के बस में नहीं वह काम सतगुरु यीशु से संभव है। इस सतगुरु यीशु को बाबा। बच्चा मैं तुम्हें सदगुरु यीशु के चमत्कारन के एक कहानी सुनावत हूँ। बच्चा प्रभु यीशु परमात्मा के इकलौता पुत्र, यीशु एक अद्भुत शिक्षक है। यीशु केर सुनब आदमी का बहुत नीक लागत रहा है। काहे सी क्यों उन्हें परमात्मा के पास वापस आवे का रास्ता सिखाई। प्रभु यीशु एक शक्तिशाली अद्भुत चमत्कार करने वाले रहे हैं। एक बार प्रभु यीशु अपने चेलन के साथ नाव में बैठ के एक बड़ी झील का पार करते रहे। नाव में प्रभु यीशु स्वागत रहे, तब ही ने एक शक्तिशाली तूफान आवा। यीशु के चेला उन्हें उठाइन और कहिन प्रभु हम सब मरने वाले हैं, हमें बचाओ। प्रभु यीशु उठे और तूफान का कहिन शांत हो जा। इसके बाद तुरंत हवा और पानी की लहरें बंद हो गई। प्रभु यीशु के प्राकृतिक से ज्यादा बाद में हमें पापन खातिर क्रूस में आपन प्राण दे के कीमत चुकाए। पर परम पिता परमात्मा उन्हें फिर से जीवित कई दिए और उन परमात्मा से हमें खातिर प्रार्थना करत ही उन पवित्र आत्मा का हमें साथी के रूप में दीन, ताकि जब हम कमजोर हुआ तब हमें जरूरतन में हमार मदद करें। तो का बाबा सदगुरु से फिर से मैं क्या तन का हरा भरा कर सकते हैं। जरूर बिटिया। तो बाबा जल्दी से उपाय बताओ, जैसे बारिश हो जाए और हमारा खेत भर जाए। पर ओसे पहले एक खेत और है बच्चा, जहे माँ बारिश हुआ बहुत जरूरी है। वो कौन खेत है बाबा? वो खेत आ तुम्हारा मन और तुम्हारा आत्मा। तुम ये का कहते बाबा? हाँ बच्चा, एक ही सृष्टि के रचयिता हैं, उ आए परम पिता परमात्मा, उ भले हैं, उ कोहू के सृष्टि नाश करें के खातिर नहीं करें। सतगुरु यीशु कहिन जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मुहिम विश्वास करी वो नाश न होई पाए हमेशा का जिंदगी पाए। बाबा जिंदगी के तकलीफन के वजह से ही इंतन के पाप करे का सोचन, हमें माफी दाओ बाबा। कोनो बात नहीं बिटिया, जो कोई सतगुरु यीशु पर विश्वास करे थी अपने पापन से पछता थी और उनसे विनती करे थी, उन्हें पापन से क्षमा करती थी और मुक्ति देती। वह सब दिन का जीवन पावन खातिर हमें का करें परी बाबा? बच्चा अब तुम 30 दिनों तक सतगुरु यीशु से प्रार्थना करो, उनसे अपने बाप के जैसे बातें करो, वो तुम्हार प्रार्थना जरूर सुनी है, काहे से वो भले है। सतगुरु यीशु तुम्हें खुश रखे बच्चा, अब मैं जाता हूं। फिर से आओ बाबा।
मुन्नी रोटी रोटी सनत आओ कहाँ है रोटी यंगद आकर रोटी का सता गई लागत हूँ बाबा हमसे सही कहत रहे हैं लागत है बाबा सही कहा चलो खाई चलो चले चलो चलो खाई पूरा विश्वास है कि हूँ बाबा हन का सदगुरु यीशु महाराज हमें लगे भेजन है सही आए मुन्नी के बाबू मुझसे वादा करो कि तुमको तो जहर खाए का ना सोची हो तुम्हें अलावा हम आपको है अरे पगली इन तना का है सोचती है तुम दोनों के अलावा मोरा इस दुनिया में कोई नहीं है मैं वादा करता हूँ अब इन तना कतव ना हुई अब तुम आराम से सो जाओ सदगुरु यीशु कहिन जीवन की रोटी मैं हूँ जो कहो मैं पास आवत है वो कतो भूखा ना होई और जो कहो मुई पर विश्वास करत है वो कतो प्यासा ना होई लो प्रार्थना के लिए हे प्रभु परमेश्वर मोर सब कुछ तुम्हें ही न हो मेरे जीवन के जीवन मोरी आत्मा की आत्मा मुझ पर दया कर मोरे हृदय में तुम्हें सिवा और कोहू का जगह न हो मैं तुमसे कौन वरदान नहीं पर तुम्हें इनका मांगत हूँ मैं संसार या वही का धन नहीं पर तुम्हें इनका मांगत हूँ प्रभु तुम जहाँ हो वहीं ठा स्वर्ग है मोरे जिंदगी के भूख प्यास केवल तुम्हें मिटा सकती हो हे मोही बना वाले प्रभु यीशु मोरे हृदय में आओ और वहाँ सब खराब विचारन का मोरे हृदय से निकाल कर दूर कर दो प्रभु यीशु मोरे हृदय में आओ और वहाँ निवास करो सतगुरु यीशु के नाम से ऐसी हो सतगुरु यीशु हमारी बेटी को संभाला सतगुरु यीशु आज का दिन संभाला प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते हैं सतगुरु यीशु हमारी बेटी को पढ़ने लिखने का प्रभु ज्ञान बुद्धि दे प्यारे आप दया का यीशु सतगुरु हमारी बेटी को संभालना आगे भी सहायता मदद करना यीशु सतगुरु यीशु कहें मार्ग सत और जीवन मैं हूँ बिना मुझ को परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते मुन्नी के बाबू जल्दी उतरा को पानी भर सकते प्रभु यीशु मोर प्रार्थना सुन ले सतगुरु यीशु हमारी जिंदगी बचाव खातिर हमारे खेत हरा भरा करे खातिर और आशीष की वर्षा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद कौआ न बोती आए न काटती आए फिरो परम पिता परमात्मा उन्हें समय समय से खाना दी थी सदगुरु यीशु पर विश्वास करो एक दूसरे से प्रेम करो एक दूसरे का क्षमा करो बोलो सदगुरु यीशु महाराज की जय प्रभु यीशु नाम की एक धारा बहे जाए वो I'm